मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस को थाने कमिश्नर विवेक फंसालकर ने जानकारी दी थी कि मुंब्रा में एक व्यक्ति नकली नोटों के साथ आने वाला है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन में एपीआई मंगेश बोरसे, संतोष राउत, विक्रांत पलांडे, तेजस परब, मयूर लोखंडे, राकेश जोशी ने मुंब्रा के अमृत नगर शादी महल रोड आरोपी के घर छापेमारी कर 82,000 रुपये के 5,500 के नकली नोट बरामद की है। इसके अलावा 14 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी का नाम जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख 42 वर्षीय है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये नकली नोट बेंगलोर से लेकर आया था और असली नोट 30,000 रुपये देकर नकली नोट 82,000 इसने लिया था। इसके ऊपर मोबाइल चोरी के मामले भी दर्ज है। एक मामला इसके ऊपर कोलकाता में भी दर्ज है। ऐसे में रमज़ान का महीना चल रहा है, पुलिस ने ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या ये खुद मार्केट में चलाने के लिए लाया था या फिर किसी और के लिए। मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी है। कल दिनांक 18/5/19 को माननीय पुलिस आयुक्त श्री फंसालकर साहब को एनआईए की तरफ से जानकारी मिली थी कि एक आदमी जाली नोट लेके मुंब्रा में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उनके आदेश के मुताबिक कल हमारी एपीआई बोर्ड से और उनकी टीम ने जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक छापा डाला था संजय नगर अमृत नगर में, और अमृत नगर में छापा डालने के बाद में एक आदमी जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख, ये 42 इयर्स का है, अमृत नगर में रहता है, शादीमल रोड पे, उसको ताबे में लिया और वहाँ 82,000 रुपीज़ यानी 82,000 रुपये हमको 500 रुपये की जो नोट रहती वो 164 नोट मिली है और वो सब जाली है। उसने जब ताबे में लिया तो वो नोट उसने बेंगलोर से लाया ऐसा बताया है। उसके ऊपर आगे जांच की जा रही है और ये सब जब्त करने के बाद में, जाली नोट जब्त करने के बाद में उसके खिलाफ 489B और 489C IPC के धारा मुताबिक गुना दाखिल किया है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आज उसको कोर्ट में हाजिर किया था PI मुजावर साहब ने और उसको 24 तारीख तक PCR दिया है कोर्ट ने। मुंब्रा पुलिस इसके पहले भी मुंब्रा में ही नकली नोट बरामद कर चुकी है। अब एक बार फिर नकली नोट आरोपी के साथ बरामद की गई है। ऐसे में शहर की जनता को भी होशियार रहने की जरूरत है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489B 489C के तहत दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ कोर्ट ने इसे 24 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस इस मामले में आगे भी जांच कर रही है, हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियां हों। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।